وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

आज के सबक़ के दो मौजूत हैं सामिन इकराम पहला ये है कि क्या अल्लाह ताला की वाहदानियत का इनकार करने वाले हमेशा दो में रहेंगे दूसरा क्या हमारी गर्दनों में तोक़ पड़े हुए हैं आइए सामिर इकराम आज के सबक का आगाज़ करते हैं सबसे पहले गुज़त सबक की दोहराई होगी بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو مهربان هميشا رحم فرمان والا هي وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اور اگر آپ كفار کے انكار پر تعجب کریں तो उनका ये कहना अजीब तर है कि क्या जब हम मरकर खाक हो जाएंगे तो क्या हम असरे नौ तखलीक किए जाएंगे यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया और इन्हीं लोगों की गर्दनों में तो पड़े होंगे और यही लोग अहले जहन्नम हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं सामने क्रम सूर राद, आयत नंबर पाँच ये आयत इसका मुताल हम कर रहे हैं कल जो गुज़त सबक था वो उलाइकल लज़ीन कफरु रब तक था और जो मज़मून बयान हो रहा है सामने इक्राम वो ये है कि काफिरों का ये कहना अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी बात ये बड़ी ताज्जुब अंगेज़ है कि वो रोज़े कयामत से इनकार कर रहे हैं तो यहाँ तक तो हमने इस पर कल बात की थी आ, और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये रोज़े कयामत से इनकार का मतलब यह है कि ये अपने रब से इनकार कर रहे हैं क्योंकि सामने कर रब तो इंसाफ़ करता है इंसाफ़ करता है तो वो योम इंसाफ़ कब होगा यानी ये, ये अल्लाह ताला की जो अदल की शान है उसको झुटला रहे हैं और इसका मतलब यह है कि ये अपने रब से इनकार कर रहे हैं और भी इसके माने हैं वो हमने कल बयान कर दिए थे आज का जो है ओलायकल अगलालुफ़ी आना कहम अब इसका नतीजा क्या है हर अमल का सामान कराम एक नतीजा होता है आपको मैंने गुज्त सबक में भी ये कहा था कि हर अमल का एक नतीजा फ़ौर मरतब होता है और क़्यामत जो है वो हर रोज़ बरपा है और हर वक्त बरपा है हर अमल का हर अमल का एक रद्द अमल जहूर पजीर आ रहा है इस पर हमने बात की थी तो ये अमल जो है यानी इंसान अगर आखिरत के वजूद को झुटला दे तो इसका मतलब यह है कि इसने अपने रब को झुटला दिया और इसका मतलब ये भी है सामने कराम कि इसने अपने जो मकसूद है मकसद ज़िंदगी है उससे इनकार कर दिया क्योंकि ज़िंदगी का मकसद तो रब की मुलाकात है और मुलाकात की तैयारी है और वो कब होगी मुलाकात कब होगी वो तो योम आख़िरत है यानी उसका जो, जो ूर होगा सही अंदाज़ में वो तो रोज़े क़यामत है तो आपने सारा सिलसिला जो अल्लाह ताला ने क़ायम किया था वो सारा सिलसिला झुटला दिया उससे इनकार कर दिया क़यामत के इनकार का मतलब यह है कि आपने अपने रब से इनकार कर दिया आपने अपने महबूब वाहिद से इनकार कर दिया मकसूद वाहिद से इनकार कर दिया और महबूद वाहिद से इनकार कर दिया अब यह है इसका अब नतीजा क्या है ओलाए कल अगला लूफी आना इनके गले में अब तोक पड़ गए हैं और तोक तोक मैंने कर आपको मालूम है गले में तोक हो तो इंसान सर नहीं झुका सकता सर नहीं झुका सकता और, और ये आम तौर पे सोचना जो है वो सर झुका के ही आम तौर पे आदमी सोचता है आम रवायती तौर पे कि सर झुका के इंसान कुछ सो सोचता है या किसी नतीजे पर फिर पहुंचता है तो इनके गले में तोक पड़े हुए हैं और ये तौक काय के हैं सामकर ये तो है एक तो नफ्स परस्ती का जो कि हम हम में से अक्सर के गलों में पड़ा हुआ है नफ्स परस्ती हर इंसान मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है साम्य निक्राम ये बात बड़ी अहम है ज़रा गौर से सुने हम में से हर शख्स अपनी मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है फिर एक तो जो है वो जहालत का भी है यानी आप हकीकत से नावाकिफ हैं और हकीकत क्या है इंसान की इंसान क्या है इसका मकसद क्या है आप आपका रब कौन है उसने आपको क्यों पैदा किया है आप इन तमाम बातों से नावाफ़ हैं और ना किसी की बात सुनना चाह रहे हैं और ना किसी की ना अकल से आप सोचते हैं तो एक तो जो है वो जहालत का है सामने का एक परस्ती का हो गया एक ज़िद है हडदर्मी जिसे कहते हैं यानी आपने एक अपनी एक आदत या रिवायत बना ली है और यानी आपका एक तरीके जिंदगी है मिसाल के तौर पे, और दूसरा अगर कोई हक़ रास्ता बता रहा है वो उस तर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है तो आप अपनी ज़ाती जिद अनापरस्ती की वजह से उस हक़ को तस्लीम नहीं कर रही नहीं मे, मेरा तो अपना मेरा तो ये ख्याल है मैं तो मेरी ये आदत है आम तौर पे ये सामान्य क्राम बहुत होता है हर इंसान भाई मेरी तो ये ये मेरी चॉइस है और मेरा ये ख्याल है मेरी ये आदत है मुख्तलिफ बातें होती हैं ना तो हर इंसान कहता है कि बस मैं ठीक हूँ और फिर उस पर अड़ जाता है दूसरा अगर उसको यानी उसकी आदत के खिलाफ कोई काम कहता है तो वो जिद और हठधर्मी में आ जाता है और ये सामीन ये अगर आप वन बाई वन यानी दर्जा दर्ज़ा आप अगर इसके सोचें ये तमाम तोक जो हैं हमारे गलों में पड़े हुए हैं एक तो नफ्स परस्ती का आपको मैंने कह दिया फिर जहालत का कह दिया नादानी हम हक शनास नहीं है हक को हमने नहीं पहचाना न पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कोई अगर आपको हक बताए भी तो आप उससे एराज कर लेते हैं क्योंकि उसको मानने में तो आपका वो तर्ज जिंदगी बदल जाएगा तो आप उसको फिर नहीं मानते फिर आपको मैंने बताया एक जिद और अनापरस्ती अनापरस्ती होती है ना मैं आपकी जो मैं है उसको उसका तोक़ है आपके गले में और हर इंसान आप देखें सामने इक्राम हर इंसान की एक मैं होती है और ये मैं तो बड़ी आम है आप खुद ही सोच लें साम मैं तो ज़्यादा इसकी वजाहत ज़रूरत ज़रूरत भी नहीं है हर इंसान की एक लाइफ स्टाइल है उसकी एक अना है अना परस्ती जो कह लें फिर इसमें अगर हक कोई इसे पेश करता भी है सामिन कर देखिए हक किसने पेश हक अल्लाह ताला की तरफ वक़ुल हक को मेरे रब को आप कह दीजिए कि हक तो रब की तरफ से है अब दूसरी बात वो हक़ को पेश करने वाले अल्लाह के रसूल हैं ठीक है, है? अल्लाह के रसूल की दावत है कि चलो अल्लाह की तरफ छोड़ो यानी दुनिया के मकस दुनिया को मकसद मत बनाओ आखिरत को मकसूद बना लो अल्लाह के लिए जीना सीख लो रसूल की ये दावत है फिर जो रसूल के नाइबीन हैं सामि इकराम जो अहल हक़ हैं जो अल्लाह ताला अल्लाह वाले हैं अल्लाह के दोस्त जो हैं वो फिर इंसान को मतव करते हैं अपने मकसद ज़िंदगी की तरफ़ तो इन सब की बातें जो हैं फिर वो जाती अना की राह में रुकावट बन जाती हैं और ये सामिन इकराम बड़ी गहरी बात है अगर आप मैं और आप इसको सोचें कि हक़ को तस्लीम न करने की वजह वो जिद और अनापरस्ती ये है एक आप कभी आपने तो इतना सोचा नहीं होगा मैं तो सोचता रहता हूँ कि आखिर क्या वजह है तो उसके नतीजे में तो यही है कि हमारे गलों में मुख्तलिफ़ बड़े में फिर एक तौक जो है तकलीद का है सामने कर तकलीद माँ बाप या आबा अजदाद की तकलीद या रस्म व रवाज उसकी तकलीद रस्म व रवाज आप देख लें रिवाज फैशन जिसे आप कहते हैं फैशन है फिर रस्म व रवाज है जब शादी होती है मिसाल के तौर पे ढूंढ़ ढूंढ़ के जो हैं पुरानी रस्में पूछी जाती हैं कि भाई शादी के मौके पे कौन सी रस्म होती है क्या होता है क्या क्या नहीं होता मुख्तलफ़ रस्में हैं सामने क्राम उनसे आप अच्छी तरह वाकफ़ हैं और उसमें बस ये एक तौक है एक तो ये भी है कि आप अपने अजदाद की तरीक़ों की पैरवी करते हैं अगर उस में कोई दलील ना हो और मैं मिसाल के तौर पे आपको ये मिसाल दिया करता हूँ शादी पे जो हमने ये मुख्तलिफ़ रसूम बना ली हैं कि ये बारात है और बारात आएगी और फिर हम बेटी का आ, वो करेंगे और बाप भी रोएंगे और बेटी भी रोएगी और बस ये एक रोने का माहौल फिर रोने के गाने डीजे वाले वो जो हैं ना रोने का म्यूज़िक लगा देते बहार तो ये यानी इसकी तो बारात का एक फंक्शन मैं ये नहीं कह रूँ हराम है लेकिन आपने एक बना लिया है बना लिया है और उस पर आप ख़र्चे खूब अच्छी तरीके से ख़र्चे करते हैं कि भई हमारी तो एक ही बेटी है और तो ये मतलब इसराफ में आता है सामने कहा इसराफ में आता है आ, फिर आपने तेल माइ की रस्म बना ली है ये मेहंदी है उसमें आपने पीले जोड़े पहनने और यानी अगर आ, साहिब हैसियत फैमिली है तो वो फैमिली के जो लड़के हैं वो अपने पीले ड्रेस और पीले दुपट्टे और ये वो ये वो तकलीद है यानी एक रिवाज की तकलीद है इसमें आप ये नहीं देखते कि शरीयत का क्या हुक्म है या ये करना ऐसा ज़रूरी है या नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हराम है इससे मना तो नहीं किया गया लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने खुशियाँ जो हैं दुनिया को अपनी खुशी का ज़रिया समझ लिया है दुनिया के जो रस्म व रवाज हैं उसको अपनी ख़ुशी और गम का फिर आप गम पे जो हैं मुख्तलिफ रसूम करते हैं मुख्तलिफ रसूम होती हैं बार वो तफसल में नहीं जाता ये सब रस्म व रवाज हैं हमारे इस तरह और भी रस्म व रवाज हैं सामनिक जिसकी मैं इस वक्त तफसल में नहीं जाता लेकिन मैं इस वक्त तोक़ की बात कर रहा हूँ उलैकल लजीन कफ़रुबरब व उलायक अखलालुफ़ी आनाकहम इनके गर्दनों में तोक पड़े हुए या जंजीरें हैं वो खूब अच्छी तरह गले में बांध दी गई हैं जंजीरें और फिर आप चेहरा जो है अपना नीचा नहीं कर सकते सोच समझ से आप काम नहीं लेते बेसोचे समझे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अंधाधुन तकलीद है रस्म व रिवाज है नफसपरस्ती है ज़िद है जहालत है हट दर्मी है और फिर आप देखें कि यानी जो, जो जो जाहिर परस्ती है यानी ताकतवर जो मख्तर लोग हैं उनसे आप दोस्तियाँ बना लेते हैं आप एक हल्का अहबाब क़ायम कर लेते हैं अल्लाह की वजह से नहीं दुनिया की दुनियादारी की वजह से ये मेरे दोस्त हैं ये मेरा हल्का अहबाब है और ये सारे तो ये तौख जो हैं वो फिर पड़ जाते हैं इसका हल सामिन कर यही है कि इंसान जो है वो सोचे तफक्कुर करे सोचे समझे कि भाई मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ क्या ये कोई अबदी ज़िंदगी है क्या मैंने ख़त्म नहीं होना अच्छा फिर अपने बारे में सोचे अपने आप को पहचाने मन हरफा नफस हो फ़क़त अरफा रबहू हर एक की यहमेदारी है कि वो पहचान के अपने आप को पहचान की ज़िंदगी गुजारे ये एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूँ मिसाल के तौर पर एक कारखाना है उसमें आप मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं फिर आप आपको एक सीट दे दी जाती है ठीक है आपके पास तालीम है लेकिन आपको एक अब प्रैक्टिकल एक सीट दे दी जाती है एक कारखाना है उसका इंतज़ाम है सबसे पहले आपने अपनी ड्यूटी को समझना है अपनी उस कारखाने में एक मिसाल मैं दे रहा हूँ उस कारखाने में अपनी हैसियत को पहचानना है कि आपके इख्तियार कितने हैं आपकी ड्यूटियाँ क्या हैं फिर आप अपनी ड्यूटी और अपने इख्तियारत को पहचान के अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं तो काम ठीक होगा अगर आप अपने इख्तियारत ना जाने या अपनी ड्यूटियों से तसाहुल बरतें ड्यूटियों को जानने से तसाहुल बरतें तो फिर क्या है फिर तो काम नहीं होगा फिर तो काम खराब हो जाएगा ये देखें कायनात है कारखानाएं हयात है ये जिंदगी का एक कारखाना है यहाँ रूहें रूहों को अजसाम मिल रहे हैं और फिर जो है एंड रिजल्ट क्या है कि वो रूह से जिसम वापस ले लिया जाता है और जब वो टाइम आता है तो बस फिर आप उस जिसम को मट्टी में दबा देते हैं उसको फिर आप रखते नहीं हैं असल जो चीज़ है वो रूह वो तो चली जाती है अपने अपने घर में जहाँ भी उसका मुकाम है और वो जो मिट्टी का कालबुत रह जाता है कभी आपने देखा होगा मुर्दे को यह तो एक लेडीज़ में एक तमाशा भी बन बन गया है ना कि पराए मर्द होते हैं पराई औरतें होती हैं मुदा मुर्दे की मैयत जो है वो रखी होती है सहन में रखी होती है सिपारे निकल रहे होते हैं चेहरा खुला होता है और खूब यानी बद नजरी होती है बद नजरी तो मना है ना यकद या नमिन यानी पाए आपने उसको नहीं देखना पराई सूरत को आपने नहीं देखना आप मैयत का चेहरा खोल देते हैं सारी लेडीज़ आती हैं यानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि हमारी वो यानी ये, ये मसला किसी ख़ास को मालूम नहीं होगा कि भाई ये तो मना है ऐसा मैयत का गैर औरतों में मैयत का मर्द का चेहरा खुला रखना मना है ये अक्सर मालूम नहीं है उसकी वजह यह है कि हमने अपने दीन के अहकाम को आ, समझने की ज़रूरत हम महसूस नहीं करते बस जो रिवाज चला आ रहा है तो बस वो चला रहे रहा है तो वह ये वैसे मैं एक बात कर रहा था तो इंसान सबसे पहले अपने आप को पहचाने और अपने रब को पहचाने जिसने अपने आप को पहचान दिया तो वो अपने रब को पहचान जाएगा रब से पूछेगा कि भई अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया है जब उसको वो जवाब मिलेगा क़ुरान से और हदीस से तो फिर वो उस मकसद को अपना मकसद ज़िंदगी बना के सिरात मस्तीम पर रवान दवा हो जाएगा तो ये एक तरीका है सोचो विचार का इन नफीजाल जिक्रन खाफा अल आखरा इसमें नसीहत है जो डरता है आज़ाब आखिरत के आज़ाब से और पैगम्बर की तालीम इन न मतंज तबाजिक्रा वखशी और रमान बिल गैब अल्लाह ताला अपने हबीब से फ़रमाते हैं कि तुम तो उन लोगों को डरा सकते हो वो लोग तुम्हारी तालीम से मुतासर हो सकते हैं जो आ, नसीहत की पैरवी करने वाले हैं मन तबा ज़िक्र जो नसीहत की पैरवी करने वाले हैं रहमान बिल गैब और रहमान से बिंदे के ये डरें रहमान के वजूद का एहसास करें मालकुम ला तरजू न ला वक़ार वक़द खुम अतवारा सुर नुह में नू आम अपनी कौम से कहते हैं मालकुम क्या हुआ तुम्हें ला तरजु न ला कि तुम अल्लाह ताला के वकार का एहसास नहीं रखते अल्लाह ताला के वजूद का तुम्हें एहसास नहीं है और उसने तुम्हें पैदा किया है दर्जा ब दर्जा तो ये मन तबा ज़िक्र वखशी रहमान बिल गैब आप देखें खशियत इलाही जो है सामने सामिनिकराम यानी एक बजर गायर आप देखें तो ये खशियत जो है खौफ खुदा जिसे हम कहते हैं ये खौफ खुदा माशरे से उनका हो गया है किसी यानि अल्लाह ताला के वजूद एक तो अल्लाह ताला के वजूद का एहसास नहीं है और जब एहसास नहीं है तो फिर खौफ भी नहीं है यानी बेखौफ़ी की एक फ़िज़ा है लोग बातचीत करते अल्लाह ताला के वजूद का ख्याल नहीं रखते शरीयत की अहकाम को नज़रअाज़ करते हैं अपने एक जब हल्के दोस्तां या हल़ सहेलियाँ क़ायम होता है उस क्या बातचीत होती है तो अल्लाह ताला के एक तो अल्लाह ताला के वजूद को हमने मिन मिनहस कौम फरामोश कर दिया है जो कि बहुत बड़ा नुकसान है अल्लाह ताला के वजूद का एहसास ये हमने फरामोश कर दिया है अल्लाह ताला तो हाजिर और नाजिर है समझ वह व माकुम अमाकुम तो वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो वन अकरब उलह हबलवरीद और मैं इसकी शहरक से भी ज्यादा इसके नज़दीक हूँ ओजा का इबादी अन्य फनी करीब और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे आप कह दीजिए मैं तो करीब ही हूं उजीबुदाबद्दाइजा दान मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ फलयस तजीबोली वलु मीनूी लालम यरशुदून अब चाहिए ये कि मेरी बात का मेरी बात को माने ये और मुझ पर ईमान ले आए ताकि ये फलाह पा जाए हिदायत पा जाए अल्लाह तो ऐसा तो नहीं हो रहा सामी निकराम ऐसा नहीं हो रहा बहरहाल ये सारी बातें हैं आपको मैंने बताया कि ये उलाइकल अगला लूफ़ी आना कहम इनकी गर्दनों में तो हैं तो पड़े हुए इनकी गर्दनों में मुख्तलिफ अब ये तोक़ कैसे हटेंगे सामि इकर वही सोच और यानी क़ुरान की रूह से अगर मैं आपको ये जवाब दूँ इस सवाल का ये तो हम अपने आप से कैसे हटाएंगे और आपने महसूस किए होंगे कि इसमें से कुछ तोक़ तो हमारे मेरे गले में भी पड़े हुए हैं आपने महसूस किया होगा बहरअल इसको हटाने का तरीका क्या है कुरान की रूह से वो सूर मुल्क में आप ये आता है उसका तरीका वकालू लवकुन्ना नसमाओ और नाकलो माकुन्ना फ़ी असहा ये दो जखी जब दो जख् के किनारे खड़े किए जाएंगे तो दो जख़ख् को देख के वो एक आरजू करेंगे काश के हम किसी की बात सुन लेते न किसी की बात दिल के कानों से सुन लेते नाकिलो या अकल से काम लेते माकुन्नाफी असहा तो आज हम दो वालों में से ना होते तो क़राम ये दो तरीके जो हैं कि आप जाहिर है हर शख्स तो आलिम नहीं है लेकिन जो आलिम हुआ है उसने भी तो किसी की बात को सुन के इल्म हासिल किया है तो सुनना तो फिर भी लाजमी है आलिम हो या जाहिल हो आलिम बात सुन के आलिम हो गया है जाहिल को बात सुननी चाहिए ताकि उसे इल हो जाए लवकुन ना नस्म हो तो एक तो समात है अहले हक की बात की समात है और अहले हक कौन है सामिन कराम वो आपके ज़माने के इमाम हैं इस बात को कहने में मुझे कोई बात नहीं है अल्लाह ताला ने किताब और अहले किताब का इंतज़ाम किया हुआ है यानी कुरान और साहिबी ने कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक तबका हमेशा हक़ पे कायम रहेगा वो किसी की मलामत से म, मलामत गर की मलामत से नहीं डरेगा और किसी की मुखालफत की वो परवाह नहीं करेगा और ये कयामत तक ये सिलसिला तो फिर आप यानी एक और हदीस की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ हज़ूर सलम फ़रमाते हैं कि उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल मेरी उम्मत के उलमा जो हैं उनका दर्जा बनी इसराइल के नबियों जैसा है सिर्फ किताब काफ़ी नहीं होती सामी निकरान ये मैं आपको यानी किताब कुरान अगर काफ़ी होता तो रसूल ना आता अल्लाह ताला कुरान को उतार देता वैसी वो वसी वसीयो जराए है किसी भी ज़रिए से कुरान नहीं पहले साहिब किताब आया है पहले साहेब क़ुरान आया है और फिर जो है कुरान जो है वो फिर तेईस साल में आया ऐसा में निकला तो ये बात जो है ये आ, जो अहलुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ ना आपको ये बहुत अहम बात है बाज़ लोग तसब का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं से तो काम नहीं चलता आप देखें कि भाई ये चीज़ कुरान में मौजूद है कि नहीं हदीस में मौजूद है कि नहीं जी हाँ कुरान में भी मौजूद है क्नुमा सदकिन सच्चों की माइत इख्तियार कर लो सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो व तब सभी लमन अना बिली जो मेरी तरफ रुजू कर चुका है तुम उसकी पैरवी करो अब ये पैगम्बर की तो बात नहीं हो रही ये तो सच्चे लोग हैं और जो अल्लाह ताली की राह पर चल रहे हैं आम ये नहीं इसमें तसब की एनक को अगर आप उतार के रख दें तो फिर आपकी बात आप ये बात मान लेंगे कि हर रास्ते के लिए रहनुमाई जरूरी होती है अल्लाह के दुनिया के रास्ते हैं स्वामी निकराम मैंने किसी शा... मिसाल के तौर पे किसी की शादी पे जाना है और वो उसका घर गलियों में है और मुझे मालूम नहीं है तो वहाँ जब वो इलाके में पहुँच जाऊँगा एक बच्चा पाँच आठ साल का बच्चा मुझसे पूछेगा तुमने कहाँ जाना है तो मैंने मैं उसका गया कि भाई वो शादी वाले घर तो वो वहीं का होगा वो मुझे उंगली पकड़ के ले जाएगा तो मैं उसमें शर्म तो नहीं महसूस करूंगा उस बच्चे बच्चे की उंगली पकड़ने में हाँ नहीं ठीक है ये यह यहाँ का है ये अहल अल्लाह जो हैं अल्लाह वाले जो हैं ये अल्लाह ताला तक पहुँचे हुए हैं अब आप उनकी उनको कहिए कि भई आप मेरी उंगली पर पकड़ लीजिए मैं आपकी मुझे रहनुमाई दीजिए अल्लाह के रास्ते की देखें जो रहनुमा होता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो आपकी रहनुमाई करता है अल्लाह के रास्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करता है वो आपको अल्लाह का और कुरान का रास्ता बताता है इसमें तसब की कोई बात नहीं है बहुत ज़रूरी बात है इसके बग़ैर जो है वो आमला हिदायत की पैरवी मुमकिन नहीं है समझने के ये अल्फाज आप मेरे नोट कर लें मुझसे आप बात कर सकते हैं अगर आप मुतब हैं फिर तो बात ना करें लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर बात कर लें ठीक है तो उलाए का असाबालनार है अल्लाह फरमाता है कि ये लोग जो हैं ये आग वाले हैं क्या मतलब ये आग में जाएंगे क्या मतलब ये दो जखी हैं ये असाबनार हैं दोख़ख वाले हैं क्योंकि इसने ने अपने रब से इनकार कर दिया कफरूबे रब बाद जगह आता है कफरू बे आया थे रब यहां रब से इनकार है आप रब को बहसीयत मकसद वाहिद तस्लीम करने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है आपने दुनिया को तरजीह दे दी है आखिरत पे ये रब का इनकार है आप कयामत को अमला मानने से इनकारी हैं जैसा कि आज हम लोग हैं सामने कराम तो इन लोगों का अंजाम जो है अल्लाह ताला फरमाता है ये आग वाले हैं हमफी हा खाली दून हमेशा आग में रहेंगे ये तो सामि निकराम हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ एक ख़ास माहौल बना है कि भाई मैंने कलमा पढ़ लिया है अब मैं जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजारूँ बस शफात मेरा हक है और अल्लाह ताला मेरी बख्शिश करेगा नहीं हो तो चंद दिन मैं दो में गुजार लूँगा मैंने कोई पाबंदी नहीं कबूल करनी अल्लाह को यानी हम अपने अमल से ये कह रहे हैं सामि निकराम कि अल्लाह ताला मेरा मैं मकसूद वाहिद बनाने को तैयार नहीं हूँ मेरी तो बीवी भी है प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे तो बहुत सारे पैसे हैं बैंक में और नहीं 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 ये चीज़ें मैं हूँ ये मैं रखूँगा इस दुनियावी मोहब्बतों को मैं पालूँगा ये हम अपने अमल से कह रहे हैं बात से उससे नहीं कह रहे हम इनको पालूंगा और बस अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा तो अला का लजीना बे रब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से इनकार कर दिया अच्छा ये उलाए का अहाब नार ये सामिया इकराम बड़ी ख़तरनाक बात है अल्लाह तर मार है यानी कलमा उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा लेकिन अगर ये अमल है जो कि बयान किया गया है ये दो ज़ख़ी हैं और ये हमेशा दो में जलते रहेंगे कोई इनकी उम्मीद नहीं है सामि इकर واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته